आपका जुगल किशोर जी बैठे 2014 से 2019 के बीच में जो 5 साल का कार्यकाल था, हमारे सामने यहाँ के नेता महबूबा मुफ्ती जी, फारूक अब्दुल्ला जी बैठते थे, और जब वो बोलते थे लोकसभा में, उसकी यूट्यूब पे आज भी देख सकते हैं, उनकी स्पीच आज भी देख सकते हैं, वो बोलते हुए कहते थे कि मोदी जी धारा 370 को हटाने की तो भूल जाओ, उसको छूने की कोशिश भी मत करना, जम्मू कश्मीर बारूद के ढेर पर बैठा है, फट जाएगा। लेकिन उनको मालूम नहीं था इस बात किससे पाला पा रहा है, और जिस दिन धारा 370 हटाई, बारूद फटने की बात तो भूल जाओ, एक सप्ताह तक नहीं दिया। यह मजबूत नेतृत्व की कहता, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प के व्यक्तित्व की पहचान गीता। उसका फायदा क्या हुआ? मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत योजना बनाई, सारे देश के 10 करोड़ परिवारों को, 50 करोड़ लोगों को उसका फायदा मिल रहा था, साल में 5 लाख रुपए मुफ्त में यहां। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक को 5 लाख तक का साल में मुफ्त इलाज की योजना का लाभ जम्मू कश्मीर के खराब, जनधन योजना का लाभ, या खादिर ये प्रधानमंत्री आवास योजना का, आज हाईवे को जम्मू कश्मीर में कितने किलोमीटर का, जब यूपीए की सरकार थी तो मुझे अच्छी तरह याद, विभाग भी कुछ समय के लिए मेरे पास था, 8 किलोमीटर प्रतिदिन बनते थे, आज 38 किलोमीटर प्रतिदिन बनते हैं, और इस साल 2022-23 में लक्ष्य रखा गया है कि 70 किलोमीटर प्रतिदिन देश में राजमार्ग बनेगा। प्रधानमंत्री जी का दुनिया में नहीं है कि मैंने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन आज देश देखिए जम्मू कश्मीर में अमन और चैन का वातावरण मोदी सरकार के माध्यम से यहाँ पर स्थापित हुआ है, जिस कारण से यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट भारी संख्या में आने वाला है, और जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो यहाँ पर इंडस्ट्री आएंगी, यहाँ पर होटल्स आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, हॉस्पिटल्स आएंगे, स्कूल आएंगे, तो उसके बाद यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और नौजवानों को रोजगार मिले उसके लिए अमन और शांति का वातावरण बहुत ज़रूरी है, और ये वातावरण मोदी सरकार यहाँ पर दे सकती है, वरना तो यहाँ के क्षेत्रीय दलों ने, पारिवारिक दलों ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की आग में झोंकने का काम किया, जिसके कारण जिन्होंने राज किया है जम्मू कश्मीर में। अभी आपने अब्दुल्ला जी का नाम लिया था, हाँ जो बोले हैं वो बताया मैंने, वो नहीं चाहते थे जम्मू कश्मीर में अमन का।